हेलो फ्रेंड्स, मैं स्नेह स्नेहा किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं शिवरात्रि की। आज शिवरात्रि है तो सब लोग व्रत रखते हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए हेल्दी लड्डू लेके आई हूँ। ये आप उपवास में खा सकते हैं, ये बहुत हेल्दी है और आप बता नहीं सकते ये मैंने किससे बनाए हैं। जी हाँ, इसे मैंने साबूदाने से बनाया है और आप बता नहीं सकेंगे कि ये साबूदाने से ही बना हुआ है और खाने में तो इतना टेस्टी है कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका मन करेगा। आप इसे बनाइए और व्रत में इसे खाइए, ये बहुत टेस्टी लगेंगे। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन क्लिक करना भी ना भूलें। चलिए अब हम बनाएंगे साबूदाना लड्डू। साबूदाना लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप साबूदाना, ये 150 ग्राम है। इसे हम ग्राइंडर जार में डालकर पीसेंगे, इसका हमें पाउडर बनाना है। ये लड्डू 10 मिनट के अंदर बन जाते हैं। अब इसे हम पीसेंगे, इसका हम पाउडर बनाएंगे। ये देखिए, इसे मैंने पीस लिया है, अभी भी इसमें थोड़े दाने लग रहे हैं तो हम इसे एक बार छान लेते हैं। छलनी रख दीजिए इस तरह से, इसे हम छान लेंगे ताकि कोई दाने रह जाएंगे तो उसे आप वापस से एक बार पीस सकते हैं। और ये सेम आपको रवा लड्डू जैसे ही लगेंगे क्योंकि ये दानेदार थोड़े रह ही जाते हैं। मैं इसे ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बना रही हूँ। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा आप निकाल दीजिए या इसे आप पीस के वापस डाल दीजिए। ये देखिए, थोड़ा दानेदार है, जिस तरह से आप बारीक रवा लेते उसी तरह मैंने इसे फाइन पाउडर नहीं किया है। अब हम कढ़ाई रख देंगे, गैस ऑन कर देंगे। इसमें हम 1/2 कप घी का डालेंगे। ये घी मैंने घर पर बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। घी को पिघलने देते हैं। ये देखिए, घी पिघल चुका है। अब इसमें हम साबूदाना का पाउडर डाल देंगे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जल ना जाए। इसे 5 से 6 मिनट तक हम भूनेंगे, इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे। आपको कोई बता नहीं सकेगा ये लड्डू आपने साबूदाने से बनाए हैं और ये हलवाई से भी बहुत टेस्टी बनेंगे, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोगों ने व्रत भी रखे होंगे तो हम नमकीन भी खाते हैं, मीठा भी सबको पसंद होता है। ये लड्डू आप बनाकर और ये इतने टेस्टी लगते हैं, आप इसे ज़रूर बना के खाइएगा। अब आप देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये इसने घी भी छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं घी अलग हो रहा है, आप देखिए। इसे आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, बाहर ये 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होंगे और अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। अब आप देखिए, ये हल्का सा ब्राउनिश कलर में हो चुका है और मैं इसे 1-2 मिनट भूनूंगी क्योंकि मुझे वाइट नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा आपको कच्चापन लगेगा। इस तरह से आप इसे अच्छे से भूनेंगे तो ये बहुत टेस्टी बनेंगे। अब इस स्टेज में मैं इसमें 1/2 कप डेसिकेट कोकोनट डाल रही हूँ, नारियल का बुरादा। ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, अगर ना हो तो आप नारियल घर पर आपके रहता ही है फ्रेश, उसे भी आप थोड़ा सा ग्रेट कर लीजिए या मिक्सी में चला लीजिए। अब इसमें हम 1/2 कप मिल्क पाउडर का डालेंगे। मिल्क पाउडर से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा, मिल्क पाउडर मावे का टेस्ट देता है, इसलिए इसे आप ज़रूर डालिएगा। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो ना डालें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। 1 टीस्पून इलायची पाउडर का डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, इसे भी आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ये देखिए, इसका कलर कितना अच्छा आया है, गोल्डन ब्राउन कलर, इसका मतलब ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम 15-20 बादाम बारीक काटे हुए डाल देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, काजू, पिस्ता, किशमिश, जो आपको पसंद हो। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज में हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब हम चेक करते हैं, ये थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम शुगर पाउडर डालेंगे, ये मैंने चीनी घर पर ही पीस ली है। मैं इसमें 5 बड़े चम्मच शुगर पाउडर के डालूंगी। आप मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा गर्म में आप शुगर पाउडर नहीं डालना, नहीं तो शुगर मेल्ट होने लगती है।
मैंने 5 बड़े चम्मच डाला है और मीठा परफेक्ट है, आप फिर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें शुगर पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसे बाइंड करने के लिए मैं इसमें दूध डालूँगी, पहले थोड़ा डालूँगी। आप चाहें तो घी से भी इसे बाइंड कर सकते हैं ताकि ये लड्डू अच्छे से बन पाएँ। अब हम चेक कर लेते हैं कि लड्डू बन पा रहे हैं या नहीं। ये देखिए अभी भी लड्डू नहीं बन पा रहे, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम फिर से चेक करते हैं, ये देखिए अब लड्डू बन पा रहे हैं। मैंने पूरा दूध नहीं डाला है, मैंने हाफ़ कप लिया था, आप देख सकते हैं इसका मैंने आधा ही डाला है, 1/4 कप। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। अब आप इस तरह से मिक्सचर ले लीजिए, इसके लड्डू बनाएंगे। इस तरह से आप हथेली में प्रेस करते हुए इसे दबाते हुए राउंड शेप देते जाइए। ये देखिए कितनी आसानी से लड्डू बन जाते हैं, और आप देख सकते हैं ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ये बहुत सॉफ्ट बने हैं और खाने में तो बहुत टेस्टी है। ये देखिए कितनी आसानी से मैंने इसका राउंड शेप का लड्डू बना दिया है। ये देखिए परफेक्ट राउंड शेप में लड्डू बना है, आप देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह से बनाने में दिक्कत हो तो मैं आपको 2-3 और आसान तरीका बताती हूँ लड्डू बनाने का। इस तरह से आप दोनों हथेलियों में इसे रोल करते जाइए और दबाते जाइए, और हथेली से इसे इस तरह रोल कीजिए। ये देखिए परफेक्ट बन गया, ये बहुत आसान तरीका है। एक और बताती हूँ, आप देख सकते हैं ये लड्डू सफ़ेद नहीं है क्योंकि मैंने इसे अच्छे से भुना है इसलिए, और ये खाने में तो बहुत टेस्टी है, आपको ज़रा भी साबूदाना कच्चा नहीं लगेगा इसमें। अब आपको एक और तरीका बताती हूँ। इस तरह से आप मिक्सचर ले लीजिए, हथेली में इसे दबा लीजिए अच्छे से, और इस तरह उंगलियों से इसे दबाते हुए गोल घुमाते हुए आप बना लीजिए। ये देखिए कितना परफेक्ट राउंड शेप में लड्डू बन जाता है। आपने देखा मैंने आपको 2-3 तरीके आसान बता दिए लड्डू बनाने के, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप देखिए दिखने में भी कितने अच्छे दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये लीजिए आपके व्रत के लिए साबूदाने के लड्डू बन चुके हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं। मैं आपको एक नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए आप इसे तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट है, खाने में सख्त नहीं है। अब दिवाली आने वाली, इसे आप ज़रूर बनाइएगा और मेहमानों के आगे रखिएगा, वो भी खुश हो जाएंगे। अब इसे मैं काजू से गार्निश करूँगी, आप चाहें तो बादाम, पिस्ता या किशमिश से भी गार्निश कर सकते हैं। इस तरह से एक एक टुकड़ा काजू का लगा दीजिए। ये देखिए काजू लगाने से इसका लुक और भी अच्छा आ गया है, दिखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है, खाने में तो वैसे ही लाजवाब है। आप इसे किसी भी फेस्टिवल या ओकेशन पर बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि व्रत में ही बनाना है, क्योंकि आप बता ही नहीं सकते कि ये साबूदाने से बने हैं, इतने टेस्टी बनते हैं और हेल्दी तो बहुत ही हैं, बच्चे बड़े सबके लिए। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और इसमें आप जब खाएंगे तो आपको इसमें गोंद का भी टेस्ट आएगा। आपको कोई ना कोई तो ज़रूर कहेगा कि इसमें आपने गोंद भी डाली है, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। आपके पास इस तरह के पेपर कप होंगे तो वो ले लीजिए। अब इसमें हम लड्डू रखेंगे, आप देख सकते हैं सेम हलवाई की दुकान से आप खरीद कर लाते उसी तरह लड्डू लग रहे हैं, और खाने में तो हलवाई से भी बहुत टेस्टी है। घर के फ्रेश लड्डू बने हुए आपके हाथों से बनाइए और सबको खिलाइए, सब खुश हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आप सब पेपर कप में लड्डू रखते जाइए। वाह देखिए कितने अच्छे दिख रहे, मेरा मन तो कर रहा है वीडियो छोड़कर मैं अभी खाना शुरू कर दूं, आपका मन नहीं कर रहा? आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, बाहर ये 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होते हैं, और अगर आपने घी डालकर बनाया है, दूध नहीं डाला है, तो ये काफ़ी समय तक चलते हैं। और इसे आप ज़रूर बनाइएगा, आप आइए और मुझे याद कीजिए। इस तरह से आप एयरटाइट कंटेनर में इसे बंद करके रख दीजिए। ये लीजिए आपके व्रत के लिए साबूदाने के लड्डू, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने बहुत लड्डू खाए होंगे और साबूदाने के भी लड्डू खाए होंगे, इस तरह का आपने लड्डू नहीं खाया होगा। जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह आप फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।